बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक रिजल्ट जारी किए जाने के बाद पूरे बिहार में उत्तीर्ण किए जाने वाले बच्चों के बीच जश्न का माहौल चल रहा है। इसी कड़ी में आज सर्वोदय पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर फुलहर में बेहतर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं के बीच सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दिया। बताते चले कि इस क्लासेज में रजनीश कुमार 447 अंक, इसी तरह कमलेश कुमार 443, सुधा कुमारी 434, लवली मणिराज 433, रविशंकर कुमार 413, पंकज कुमार 397, मीनू कुमारी 395, रवि रंजन कुमार 373, बब्बी कुमारी 334, अर्चना कुमारी 319 अंक लाकर मान बढ़ाया है। जानकारी देते हुए कोचिंग के निर्देशक धनंजय यादव ने कहा कि आज शिक्षा के प्रति लोगों में जो उत्साह दिख रहा है वह निश्चित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सुखद है। सभी बच्चे अपने मेहनत व लगन के बल पर परचम लहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन में अपना लक्ष्य को बड़ा रखना चाहिए। लक्ष्य बड़ा होगा तो मेहनत भी ईमानदारी पूर्वक होगी, जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। अगर ईश्वर ने मान बनाया है तो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए। मौके पर प्रिंसिपल लालू कुमार यादव, शिक्षक दीपक कुमार, रमेश कुमार, विनोद कुमार मोहम्मद, तोसिफ नीतीश कुमार, अभिभावक रतिलाल यादव, अशोक ठाकुर, शिव कुमार मरिक, रामदेव मरिक, किशुन शाह, हरी शाह, पुलकित मरिक, सूर्य नारायण महतो, राजेश कुमार महतो समेत अन्य अभिभावक एवं छात्र उपस्थित थे। बहुत बधाई देना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को भी बधाई देना चाहते हैं कि इस विद्यालय में कम से कम प्रांगण में आप लोग आए हैं, और बच्चों को भी बधाई दे रहे हैं। बच्चों को हम लोग गाइडलाइन किए, और सबसे बधाई के पास हमारा तो शिक्षकगण है जो काफ़ी मेहनत किए, और अभिभावकगण भी बहुत खुशी हुई जो जो समय मिल चाहे हम बच्चों को जितना समय दिया और विश्वास भी किए, और आगे चलकर बच्चा हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा करे। लड़का सब है, जैसे रजनीश कुमार है, अच्छा नंबर लाया है, और मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाया है, तो आने वाला वो उसका सोच है कि IAS बने है। मीनू सब है, सोच रहा है नियर बने, कोई डॉक्टर बने, क्यों बने। तो 1996 से चला रहे हैं, और इस हरलाखी प्रखंड में प्रत्येक वर्ष हमारा ही छात्र छात्रा में घावी होता आया है अभी तक। धनंजय यादव गछिया, सर्वोदय पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। कितना? 395। कैसा लग रहा है? हमें अत्यंत खुशी हो रहा है कि हम यानी कि अपने फुलर हाई स्कूल में लड़की में यानी कि अच्छे नंबर आए सबसे ज्यादा। कितना घंटा पढ़ाई? 1 घंटे भी डिपेंड नहीं करता, हम 4 से 5 घंटा पढ़ते थे। आगे जाकर क्या बनना है? मैं आगे जाकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इनमें किन किन का योगदान रहा? मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों का, सबसे ज्यादा मेरा गुरुजनों का था। क्या कुमारी? क्या हुआ? मीनू कुमारी। घर? फुलर। किस स्कूल से थे? सर्वोदय पब्लिक स्कूल फुलर। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे। मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं? आगे जाकर नीट। क्या हुआ? सुधा कुमार। घर? कंटोर। इसमें अहम योगदान किन का रहा है? प्रिंसिपल धनंजय यादव और मेरे माता पिता। कितना घंटा पढ़ाई करते? 4 से 5 घंटा पढ़ते थे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल फुलर। कितना खुशी मिल रहा होगा आपको नंबर आने से? और इससे आगे अपना चाहते हैं, और इससे भी बेहतर करना चाहते हैं, आगे आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं। नाम हुआ आपका? अर्चना कुमारी गंगौर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या बनना है? आर्मी बनना है आपको आगे जाकर। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 5 से 6 घंटा। अपने गुरुजनों के और माता पिता। आपका? बब्बी कुमारी। 7 से 8 घंटा। सफलता किसको देना चाहते हैं? माता पिता और गुरु। आगे के क्या बनना चाहते हैं? IITian बनना चाहते हैं सर। अच्छा, आ जाएंगे? पटना जाएंगे, पटना से IITian का तैयारी करेंगे। आपका? 413 सर्वोदय पब्लिक स्कूल फुलहर। सर्वोदय पब्लिक स्कूल फुलहर से स्कूल में पढ़ रहा हूँ। या मेरे सफल होने में मेरे माता पिता गुरुजनों का योगदान था। कितना मार्क्स आया है? मेरा मार्क्स पूरा 443 आया है, इसमें सबसे हाईएस्ट मेरा मैथ में है जो करते थे। कितना? 98। आपको मैथ में है? हाँ।
100 में 98 मार्क्स। हाँ, आगे जाकर क्या बनने का सपना है? हम IAS बनना चाहते हैं। IAS बनना है। हम योगदान किनका रहा है इसमें? मेरे माता पिता गुरुजनों का योगदान था। क्या पढ़ाई करते थे आप? हम 6 से 7 घंटे पढ़ते थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है, कमतोल। 97। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हम योगदान किनका है? मेरे मम्मी पापा और गुरु जी का। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? ज़्यादा तो नहीं पढ़ते थे, बस 5-6 घंटा पढ़ते थे। 5-6 घंटा पढ़ाई करते थे। फिर क्या बनना है? आगे इंजीनियर बनना है। आगे इंजीनियर बनना है। क्या हुआ? पंकज कुमार। अपार खुशी हो रहा है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, कितना खुश हो रहे हैं। पढ़ाई हम इससे बहुत खुश रहे कि मेरा बच्चा आज ने 400 प्लस पार किया है। बहुत बहुत खुशी हो रहा है। सारे बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने मेरे बच्चे हैं सब यहाँ पर बेहतर रिजल्ट लाए। कामना करता हूँ कि इसी तरह आगे भी रिजल्ट लाते रहे, ताकि हम लोग का दो शब्द कहने का मौका मिले। खास करके 6-7 बच्चे ऐसे जो 400 प्लस नंबर लाए, जैसे रजनीश कुमार हुआ 447 नंबर लाए हैं, उसमें मैथ में 100 में 100 लाए। मैथ हम खुद पढ़ाते हैं, लालू कुमार यादव नाम हुआ। और इसके बाद हुआ आपका सुधा कुमार हुआ 434 नंबर लाया है, उसके बाद कमलेश कुमार हुआ 447 नंबर लाया है, उसके बाद हो गया रविशंकर है उसका आया है 413 नंबर, लवली मणिराज है उसका आया है 433 नंबर आया, मीनू कुमारी हुआ 395 नंबर, पंकज कुमार 397। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सब अच्छे नंबर आए। लालू कुमार यादव हुआ, यहाँ का प्रिंसिपल है पब्लिक स्कूल फुलहट।